अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो हम बिल्कुल अच्छी रेसिपी, न्यू रेसिपी आप लोग के साथ लेके आ गए हैं, वो है बनाना स्मूदी, जो कि वेट लॉस के लिए और प्रोटीन शेक के तौर पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को पिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमको बताइएगा फीडबैक कैसी बनी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए, हमने बनानास ले लिए हैं, इसको आप पील कर लें। तो जी, बनाना के साथ हमने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स में हमने ले लिए हैं बादाम ले लिए हैं, ये आप लोग ले लेंगे 8 से 9 तकरीबन बादाम 3 से 4 ग्लास के लिए। ज़्यादा अगर ड्राई फ्रूट लेंगे तो उससे बहुत थिक भी हो जाएगी। तो और काजू ले लेंगे हम ये साथ में, काजू भी आप 1 चम्मच के हिसाब से ले सकते हैं, ये 10 से 12 होंगे। और जो है मखाने हम ले लेंगे 6 से 7 मखाने, इससे काफ़ी एनर्जी भी मिलती है मखानों से। तो और साथ में हम लोग ने अखरोट ले लिए हैं, 2 से 3 अखरोट लेंगे, अगर ज़्यादा डालें तो मतलब कड़वा ना हो जाए। और खजूर लिए हैं हमने एनर्जी के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है खजूर से। और छुहारे हमने ले लिए हैं 2 छुहारे, इसको इस तरीके से काट लिए खजूर और छुहारे को। और जी, हमने ये ले लिया है 1/2 जग हमने मिल्क ले लिया है, इसके अंदर शुगर नहीं डलेगी, क्योंकि जो है ये ऑलरेडी मतलब बनाना जो होते हैं केले वो स्वीट ही होते हैं, तो हम इसके अंदर शुगर नहीं डालेंगे। ये नेचुरल स्वीटनर के तौर पर ही आप लोग पी सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस के लिए फिर चीनी भी वो है, तो आप लोग आराम से इसको 1 मील स्किप करके पी सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको बनाने के लिए हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में कर देंगे। और जो है ये सारे ड्राई फ्रूट जब एक बाउल में कर देंगे हम, तो इसको गर्म पानी के अंदर जो है हम लोग सोक कर देंगे। थोड़ा ये हम मीडियम गर्म पानी हमने थोड़ा सा कर लिया है, वो हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे, तकरीबन 1/2 ग्लास के जितना हम डाल देंगे। और जो है इसको 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए, तो और इसका मतलब अच्छे से ये जो है पिस जाए, ग्राइंड हो जाए इसके साथ अच्छे स्मूदी में एकदम बिल्कुल मतलब मिक्स हो जाए, तो अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। तो इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से ही। हमने ये जो है इसको पानी इसका निकाल लिया ड्राई फ्रूट्स का, 20 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर ये डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, और जो है हम अब इसके अंदर मिल्क डाल देंगे, और जो है जो बनानाज हैं केले वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग ये। और ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रोटीन शेक के तौर पर भी आप लोग पी सकते हैं, काफ़ी इससे एनर्जी आती है काफ़ी। तो जो है अभी हमने बनानाज डाल दिए हैं इस तरीके से, और जो है अब आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये सब एक साथ अच्छे से जो है मिक्स हो जाए जी। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल बारीक बारीक हो गया है, कोई मतलब इसके पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोग इसको प्रोटीन शेक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम निकालते हैं ग्लासेस में, आप लोग ये देख सकते हैं हम इसको ग्लासेस में निकाल रहे हैं, आप लोग इसको इंजॉय कीजिएगा और हम लोग को अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। बच्चे बड़े सब ये पसंद करेंगे, बच्चों को भी आप लोग एनर्जी ड्रिंक के तौर पर ये पिला सकते हैं स्मूदी, बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है, स्किन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो हमको अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।